हेलो स्टूडेंट, आई एम सूरज फ्रॉम वाराणसी। बोर्ड एग्जाम को बेहतर बनाने के लिए मैंने समय के अनुसार आपके कोर्स प्रारंभ कर दिया है कि किस समय पर कौन सा विषय और किस क्लास का चलेगा। आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि इसकी जानकारी पाने के लिए इस आई बटन पर क्लिक करके जान सकते हैं। प्रतिदिन वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि किसी भी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। हेलो स्टूडेंट, तो चलिए आज के इस वीडियो में हम आपको सेकेंड पेपर के अध्याय दो एनसीईआरटी से भाग थ्री यानी अल्कोहल फिनाइल ईथर के बारे में आपको बताने वाले हैं। ठीक, तो इसमें से हम तीनों में से पढ़ रहे हैं अल्कोहल। अल्कोहल में हम पढ़ क्या रहे हैं, मेथिल अल्कोहल पढ़ रहे हैं। ठीक, तो मेथिल अल्कोहल को हमने अभी बता दिया, उसके बारे में बनाने के पांच विधियों को बता दिया। ठीक, तो पांच तरीके से उसको हम बना सकते हैं। तो चलिए आज हम इसके भौतिक और रासायनिक गुण के बारे में कुछ बात करने वाले हैं। ठीक, तो चलिए हम भौतिक और रासायनिक गुण के बारे में इसमें बात करेंगे। तो पहले हम देखते हैं कि भौतिक गुण इसका क्या होता है, इसको समझ लेते हैं, उसके बाद हम रासायनिक गुण को आपको बताते हैं। ठीक, तो चलिए देखते हैं क्या होगा। तो देखिये, मेथिल एल्कोहल के कुछ मुख्यतः भौतिक गुणधर्म निम्न है, वो कौन कौन से हम आपको बारी बारी से बताएंगे एकदम, उसके बाद हम आपको केमिकल प्रॉपर्टी भी बता देंगे। ठीक है, तो चलिए, तो देखिए, यह एक रंगहीन ज्वलनशील उदासीन द्रव है। ठीक, तो देखिए ये क्या है, एक द्रव है, समझ रहे हैं ना, कौन, मेथिल अल्कोहल एक ज्वलनशील उदासीन द्रव है, इसमें कोई रंग नहीं होता, ये रंगहीन होते हैं। पहला आपको समझ में आ रहा है, चलिए आपको ये पहला समझ में आ गया तो दूसरा पॉइंट भी देख लेते हैं। इसमें से हमको, हमने बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को मतलब इसमें सेलेक्ट किया है जो कि आपको अच्छे से समझ में आ सके और आप उसको बता भी सके। ठीक है, तो आप ये मत पूछिएगा कि आप किस राइटर से लिए हैं, तो हम ऐसा कोई राइटर नहीं जिससे नहीं लिए, हर एग्जांपल हर एक राइटर से हमने कैच किया है। ठीक है, तो चलिए अब देखिए, इसका क्वथनांक 64.7 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, किसका होता है, मेथिल एल्कोहल का। ठीक, क्लियर हो गया ये भी। चलिए तो अब देखिए तीसरा क्या दिया है, तीसरा दिया है इसकी गंध स्प्रिट के समान होता है। ठीक, ये जो महकता है वो बिल्कुल स्प्रिट जैसा महकता है। ठीक ठीक, चलिए अब देखिए चौथा पॉइंट क्या है, इसको समझते हैं। देखिए, मेथिल अल्कोहल अत्यधिक विषैला होता है। ठीक, बहुत विषैला होता है। ठीक, जिसे पीकर कोई भी व्यक्ति अंधा या पागल हो जाता है, समझ रहे हैं ना, तो आप लोग मत पीजिएगा नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, व्यक्ति अंधा या पागल हो सकता है, हो जाता है। अधिक मात्रा से सेवन करने में उसकी मृत्यु भी हो जाती है, किसकी, जो व्यक्ति इस चीज का सेवन करता है अत्यधिक, मतलब देखिए अधिक मात्रा में, जैसे एक एग्जांपल देना चाहेंगे, जैसे शराबी को लेते हैं, ठीक है, तो जब पीता है दारू वगैरह शराब, तो इसमें यही होता है, मेथिल अल्कोहल ही होता है, अगर वो अधिक मात्रा पीने लगता है तो उसकी डेथ हो जाती है, समझ रहे हैं ना। और देखते कभी कभी ऐसा बिहेव करता है जैसे पागलों की तरह बिहेव करने लगता है, जब ज्यादा हो जाती है उसको चढ़ जाती है एक तरफ से। ठीक, समझ रहे हैं, एग्जांपल आपको बेटर समझ में आएगा। चलिए और पांचवा देखिए क्या है, मेथिल अल्कोहल जल से हल्का होता है। ठीक, जो ये मेथिल अल्कोहल होता है वो जल से हल्का होता है, मतलब ये जल नीचे ही रह जाएगा तो ये ऊपर तैर सकता है, मतलब ये हल्का है, समझ रहे हैं। तो आपको ये पांच पॉइंट समझ में आ गया, भौतिक गुण। चलिए अब हम इसके केमिकल प्रॉपर्टी यानी रासायनिक गुण के बारे में एकदम बेसिक लेवल से बात करने वाले हैं, तो आप प्लीज एकदम ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा क्योंकि हम वैसे भी आपको समझाने की पूरी कोशिश करते हैं। ठीक, तो चलिए उसको देखते हैं। तो देखिए रासायनिक गुण, ठीक, यानी इसको कहते हैं केमिकल प्रॉपर्टी, किसकी पढ़ है, मेथिल अल्कोहल की, ये आप डाउट मत होइएगा। ठीक है, तो देखिए क्या है, पहला क्या प्रॉपर्टी लिए हम, पहला है एसिटिक अम्ल से अभिक्रिया, जो मेथिल अल्कोहल है वो एसिटिक अम्ल से अभिक्रिया करेगा तो क्या बनेगा, बात ये आती है। तो पहले हम आपको ये बता देंगे एसिटिक अम्ल का सूत्र क्या होता है। ठीक है, हम बिल्कुल, आप देखिए रिएक्शन को तभी अच्छे तरीके से समझ सकते हैं जब आपको किसी यौगिक का आपको सूत्र पता होगा, और आपका सूत्र, आपको सूत्र पता कैसे होगा वो हम आपको लिख के समझाने वाले हैं, तो आपको समझ में भी आ जाएगा, क्लियर है। तो चलिए देखते हैं, जब निर्जल एसिटेट, सॉरी, जब निर्जल एसिटिक अम्ल तथा
मेथेनॉल की सांद सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में क्रिया कराते हैं या फिर कराई जाती है तो मेथिल एसिटेट यानी एस्टर का निर्माण होता है। क्लियर है? किसका कराएंगे? निर्जल एसिटिक अम्ल का। किससे? मेथेनॉल। मेथेनॉल से आप कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक। मेथेनॉल मतलब क्या है? वही है, मेथिल अल्कोहल ही है, जिसको कहते हैं CH3OH, समझ रहे हैं? यही है, इसको मेथेनॉल लिख दिए तो इसका IUPAC होता है, आपको पता दिए थे हम, तो इसमें कोई डाउट होने की जरूरत नहीं है। किसकी उपस्थिति में? सांद सल्फ्यूरिक। तो चलिए हम आपको रिएक्शन के माध्यम से समझाते हैं, तो चलिए समझिए। पहले क्या लेना है इसमें, देखिए एसिटिक अम्ल, तो एसिटिक अम्ल का सूत्र क्या होता है पहले हम उसको लेकर आपको दिखाते हैं। तो देखिए होता है CH3, ठीक, COOH, ये क्या होता है? ये होता है एसिटिक अम्ल। क्लियर है? ये हो गया एसिटिक अम्ल। किससे क्रिया कराना है? मेथेनॉल प्लस, मेथेनॉल मतलब CH3 और OH, यही तो है मेथेनॉल, मतलब मेथिल अल्कोहल कह सकते इसको भी, ठीक। तो इसको लिख देते इसका नाम एक और, मेथेनॉल, ठीक, समझ में आ रहा है। अब देखिए इसका क्रिया इससे कराएंगे और किसकी उपस्थिति में कराएंगे, ये बात देखिए, H2SO4 सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, हो गया। अब देखिए क्या बनेगा, कैसे बनेगा, उसको हम समझते हैं, समझ रहे हैं बात को। चलिए तो अब देखिए ये जो CH3 है, ठीक, और ये जो CH3 है, ये पूरा देखिए यहां तक हम इसको ले लेंगे, तो देखिए तो क्या हो जाएगा CH3, ठीक, COO, और इसको नहीं लिखेंगे, अब लिखेंगे इसको, ठीक, यहां तक लिखने के बाद हम इसको लिख लेंगे, तो क्या हो जाएगा CH3। इतना क्लियर हो गया। अब बचा क्या? ये बचा है और ये बचा है, तो यच कितना है? एक यच यहां पे है और एक यच यहां पे है, तो कितना यच हो गया? दो यच हो गया, क्लियर है। और ओ कितना बचा है? एक खो, तो क्या निकाल देंगे हम यहां से? यहां से निकाल देंगे, यच कितना है? दो हो गया, यच टू हो गया, और ओ कितना है? एक है, तो यच टू ओ निकल जाएगा। ये आपको समझ में आ गया, ठीक। तो चलिए इसका नामकरण भी कर दे। ये क्या होता है? ये जल होता है, ये तो आपको पता होगा। और ये क्या होता है? बनाना क्या था आपको? मेथिल एसिटेट बनाना था, तो इसी को तो कहते हैं मेथिल एसिटेट, ठीक। तो इसको लिख देते हम मेथिल एसिटेट। क्लियर है? समझ में आ रहा है पहला? चलिए तो अब हम आपको दूसरा रिएक्शन बताने वाले हैं। तो दूसरा क्या है इसको समझिए, सक्रिय धातुओं के साथ अभिक्रिया। बात आती है सक्रिय धातु क्या कहते हैं, ठीक, जो क्रिया में सबसे पहले होते हो, मतलब जैसे सोडियम को ले सकते हैं आप, ठीक, समझ रहे हैं, ठीक। सक्रिय मतलब जो क्रिया पहले करते हैं, तो चलिए हम उस पर बात करते हैं। तो देखिए क्या होगा, रिएक्शन विथ एक्टिव मेटल्स, मतलब सक्रिय धातु। आपको इंग्लिश भी लिखकर हम बताने वाले, एक बच्चा आप लोगों में से कमेंट किया था, सर जो भी बताते हैं आप उसका इंग्लिश भी बता दिया करिए, ठीक है। तो हमने आप इंग्लिश भी लिखकर शुरू कर दिया, हिंदी के साथ भी इंग्लिश वर्जन नीचे लिख देते हैं, ठीक है, कोई डाउट ना हो सके, क्योंकि जो CBSE वाला पहली बार यूपी बोर्ड में आया है उसको भी कोई डाउट ना हो, समझ रहे हैं बात को। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। जब मेथिल एल्कोहल की क्रिया सोडियम धातु, तो सक्रिय यही है, सबसे पहले क्रिया करने वाला यही होता है, ठीक है, तो हम सोडियम का एग्जाम्पल लेते हैं, तो सोडियम को ही लेते हैं, सोडियम से कराई जाती है तो सोडियम मेथॉक्साइड बनता है। अब कैसे बनता है ये हम आपको रिएक्शन में समझाएंगे, ये तो आपने देख लिया। तो चलिए अब बात होती है मेथिल अल्कोहल की क्रिया, तो पहले मेथिल अल्कोहल लिख लेते हैं, तो क्या होगा CH3OH, ठीक, ये क्या हो गया मेथिल अल्कोहल, तो इसको लिख देते हैं मेथिल अल्कोहल, ठीक। अब देखिए प्लस की क्रिया किससे कराई जाती है, सोडियम से कराई जाती है, बात आती है सोडियम पे, ठीक, तो अब यहां लेते हैं सोडियम। अब आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात हम बता दें, इसमें देखिए ये जो क्रिया होती है तो इसमें क्या होता है, हाइड्रोजन मुक्त करना होता है, क्लियर है, ये समझिएगा, नहीं से जानते तो जान जाइए, इसमें हाइड्रोजन मुक्त करना है, तो हाइड्रोजन मुक्त करने के लिए जब ये इस अवस्था में होगा, H2 की अवस्था में होगा, तभी हम इसको मुक्त कर सकते हैं। तो इसको हम H2 बनाने के लिए क्या करेंगे, यहां से दो, इसमें दो का उड़ा कर देंगे, ठीक है, इसमें दो आगे लगा देंगे, ठीक।
अब जब इसमें दो गुस्से लगा दिए हैं, मतलब घुसा दिए हैं, तो अब यहाँ पे भी लगाना जरूरी है क्योंकि बैलेंस तो बराबर होना चाहिए। ठीक, तो यहाँ भी दो लगा देंगे, समझ रहे हैं आप। तो इसको इस अवस्था से मुक्त करने के लिए हम इसमें दो का गुणा किए हैं, इसलिए आप कोई क्वेश्चन नहीं कर सकते क्योंकि सर दो क्यों लगा दिए, पहले इसलिए हम नहीं लगाए, इसलिए आपको समझाने के बाद लगाए। ठीक, तो अब देखिए इसमें से हाइड्रोजन मुक्त करना होता है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं क्या होगा, जब क्रिया होगा इससे तो क्या बनेगा, कैसे होगा। ठीक, तो चलिए देखिए, आप ये देख रहे हैं टू है और यहां भी टू है। ठीक, ध्यान से देखिएगा, अब CH3 है, समझ रहे हैं, कितना CH3 है, दो ठो यहां पे है, तो चलिए इसको हम लिख लेते हैं, पहले हाइड्रोजन मुक्त कर देते हैं, क्या प्रॉब्लम है आपको, चाहे हाइड्रोजन मुक्त कर दे पहले, चाहे ऐसे कर दें, समझ रहे हैं। तो चलिए हम पहले ऐसे लिख लेते हैं, देखिए 2CH3, क्लियर है, इतना समझ में आ रहा है। अब देखिए यहां से O हो गया, ठीक, इसको लिख देते हैं। अब यहां से Na कितना है, दो ठो है, तो क्या करेंगे, एक को हम ले लेंगे, समझने बात को, चलिए तो ले लेंगे। अब बचा क्या, बात ये आती है, समझ रहे क्या बचा, क्या बचा भैया, अब देखते हैं यहां कितना था CH3, कितना है, दो ठो है, दो ठो CH3 ले लिए। अब यच कितना यहां पे, दो ठो यच हो गया। ठीक, तो हमने ओ तो अभी यच तो अभी लिया ही नहीं है, तो प्लस H2 इसमें से मुक्त कर देंगे। ठीक, यहां दो ठो यच है तो दो यच निकाल दिए, और CH3 दो ठो है तो CH3 दो के बाद यहां लिख लिए, और जो ओ है उसको यहां लिख दिए, और इसमें से क्या है, दो Na है, तो इसमें से दो Na ले लिए, तो दो इसकी भी हो गई, बैलेंसी बराबर है, समझ रहे हैं आप। तो इसको क्या कहेंगे, अब सोडियम मेथॉक्साइड इसी को कहेंगे, तो इसको लिख देंगे हम, क्या हो जाएगा, सोडियम, ठीक, मेथॉक्साइड। ठीक, ये क्या है, हाइड्रोजन गैस है, तो ये क्या हो जाएगी, मुक्त हो जाएगी। ठीक है, समझ में आ गया आपको, चलिए अब ये समझ में आ गया, तो अब हम आपको तीसरा रिएक्शन बताने वाले हैं। तो देखिए तीसरा रिएक्शन क्या है, तो देखिए तीसरा रिएक्शन क्या है, एसिटिल क्लोराइड से अभिक्रिया। ठीक, इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे, रिएक्शन विथ एसिटिल क्लोराइड। ठीक, तो देखिए पहले हम इसको पढ़ते हैं, उसके बाद रिएक्शन देखते हैं। जब मेथिल एल्कोहल की क्रिया एसिटिल क्लोराइड से कराई जाती है तो मेथिल एसिटेट बनता है। बात यहां आती है कि क्या होता है, एसिटिल क्लोराइड का सूत्र क्या होता है, हम इसको लिखेंगे और आपको समझाएंगे भी, हर जो भी इसमें जिसमें भी इतनी जितने यौगिक के बात होते हैं हम आपको सब बताएंगे, एकदम बिल्कुल अच्छी तरह से बताएंगे ताकि कहीं भी आपको कोई डाउट न हो सके। ठीक है, तो बात आती है मेथिल एल्कोहल, तो मेथिल एल्कोहल को पहले हम लिख लेते हैं। तो मेथिल एल्कोहल किसे कहते हैं, देखिए आपको तो जन पता ही होगा, CH3OH हो गया, तो इसको हम लिख देंगे मेथिल एल्कोहल, ये क्या हो गया, मेथिल एल्कोहल हो गया। समझ रहे हैं कि क्रिया एसिटिल क्लोराइड से कराते हैं, प्लस क्या करेंगे, एसिटिल क्लोराइड इसकी इसका सूत्र क्या होता है, इसको देखते हैं। देखिए CH3, ठीक, COCl, समझ रहे हैं, यही होता है, आप नहीं जानते हैं तो आप इसको नोट कर लीजिए, यही होता है एसिटिल क्लोराइड। तो हम इसको लिख देंगे एसिटिल क्लोराइड, ठीक, क्लोराइड, ये होता है एसिटिल क्लोराइड। अब क्या करेंगे, इसको ध्यान देखिएगा, अब इसका रिएक्शंस कराएंगे, अब रिएक्शंस में हम क्या खिलवाड़ करने वाले हैं आप तो समझ ही जाएंगे। तो क्या करेंगे, पहले यहां आपको यच दिखाई दे रहा है, दे रहा है ना, और यहां क्या दिखाई दे रहा है, सीएल दिखाई दे रहा है, समझ रहे हैं बात, ध्यान से देखिएगा। तो अब हम पहले चाहे तो हम HCl को निकाल के बाहर कर दें, जिस कचरा जितना जल्दी निकाल देंगे उतना ही अच्छा होता है, ऐसे मानते हैं ना, तो हम इसको कचरा समझ के बाहर कर देते हैं, पहले इसको हम निकाल देते हैं। ठीक, अब क्या बचा ये देखते हैं। ठीक, देखिए CH3 बचा है, O बचा है, फिर CH3 बचा है, फिर CO बचा है, समझ रहे हैं बात को। तो चलिए अब हम इसको लिखते हैं, तो कैसे लिखेंगे, CH3, ठीक, CH3 हो गया। अब देखिए ध्यान से देखिएगा, CH3 हो गया, अब ये जो CO है इसको लिखेंगे CH3CO, ठीक, और देखो यहां भी O बचा है, इसको भी लिख लेते हैं। अब देखो यहां CH3 बचा है, अब इसको यहां लिख लेते हैं, बन गया आपका, समझ में आ रहा है ना। तो हम बना दिए, क्या बना अब इसको देखते हैं, अभी बात हुई थी मेथिल एसिटेट बनता है, तो ये क्या हो गया, ये हो गया मेथिल एसिटेट। ठीक, समझ में आ गया आपको,
और ये क्या हो गया हाइड्रो क्लोरिक एसिड। ठीक, समझ में आ गया आपको? चलिए, अगर ये समझ में आ गया आपको तो अब हम अगला रिएक्शन आपको देखते हैं, दिखाते हैं, बताते हैं और समझाते हैं। तो अगला क्या है, चौथा नंबर है एसिटिक एनहाइड्राइड से अभिक्रिया। बात आती है एसिटिक एनहाइड्राइड होता क्या है, बात याद है, घबराइए मत बिल्कुल, हम एकदम इसको बिल्कुल तोड़ के छोटे में आपको समझाने वाले हैं, चाहे जितना बड़ा हो जाए। ठीक है, तो चलिए देखिए, रिएक्शन विथ एसिटिक एनहाइड्राइड इंग्लिश में इसको कहते हैं। अब देखिए क्या होगा, जब मेथिल एल्कोहल पीरीडीन, ठीक, पीरीडीन की उपस्थिति में एसिटिक एनहाइड्राइड से क्रिया करके मेथिल एसिटेट बनाता है। देखिए मेथिल एसिटेट फिर बनेगा, लेकिन क्रिया किससे हो रही है, एसिटिक एनहाइड्राइड की क्रिया है। तो चलिए इसको देखते हैं रिएक्शन द्वारा कैसे बनेगा। ठीक, तो चलिए अब पहले क्या है, मेथिल एल्कोहल है तो उसको हम क्या करेंगे, लिख लेंगे। तो क्या हो जाएगा CH3OH, ये क्या हो गया मेथिल एल्कोहल, मेथिल, मेथिल एल्कोहल हो गया। ठीक, समझ रहे हैं आप? अब किससे कराना है, मेथिल एल्कोहल पीरिडीन की उपस्थिति में, उपस्थिति किसकी होगी, पीरिडीन की होगी, समझ रहे हैं आप बात को? तो चलिए अब किससे कराना है, एसिटिक एनहाइड्राइड का सूत्र लिख देते हैं तो क्या होगा उसको देखते हैं। तो एसिटिक एनहाइड्राइड का सूत्र नहीं पता है आपको तो हम लिख के आपको समझा देते हैं और बता देते हैं। तो क्या हो जाएगा, प्लस CH3, ध्यान से देखिएगा एकदम, CO, ठीक, ट्वाइस और O, यही तो है एसिटिक एनहाइड्राइड। इसको लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, कहीं भूलिएगा नहीं, ठीक, क्योंकि आगे भी बहुत से रिएक्शन में मिलने वाले हैं एसिटिक एंड हाई ड्राइड। ठीक है, इसका नाम हो गया। अब देखते हैं क्रिया कराएंगे, ऊपर क्या है, उपस्थिति किसकी है, पीरिडीन की। ठीक, तो अब देखिए क्या बनेगा ये देखते हैं, बात यहां आती है ना। चलिए तो अब हम इसको पहले लिखते हैं, CH3 है, इसको लिख लेते हैं CH3, क्लियर है आपका? अब देखिए यहां CO कितना है, दो ठो है, ठीक, तो हम क्या करते हैं एक CO लिख लेते हैं, लिखेंगे ना, चलिए एक C लिख लिए, O कितना है, दो ठो है, तो लिख देते हैं डबल O। ठीक, हो गया, समझ रहे हैं? अब देखिए ध्यान से, ये हो गया OH बचा इधर, ठीक, तो ये जो CH3 यहां पे है कितना है, दो ठो है, समझ रहे हैं, दो ठो है ना, तो एक को यहां लिख देंगे हम। ठीक, समझ में आ गया आपको? अब देखिए क्या होगा, ये CH3 था, देखिए यहां दो CH3 यहां तीन CH3 है, तो हम क्या करेंगे, दो CH3 तो यहां लग गया, ठीक, और दो ठो क्या था, O था और CO था, तो यहां भी हो गया, समझ रहे हैं? अब बचा क्या क्या है, बात यहां आती है। तो चलिए अब देखिए क्या बचा है, बच रहा है CH3 दो, तीन ठो था तो दो ठो यहां हो गया है, अब एक CH3 और बचा है, चाहे इसको मान लीजिए चाहे इसको, इसमें से दो में से एक मान लीजिए, तो उसको लिख देते हैं यहां। अब CH3 टोटली पूरी तरह से खत्म हो चुका है। ठीक, अब देखिए ध्यान से बचा क्या क्या है, ये बचा है और ये बचा है, ठीक, और सी कितना था, दो ठो था, तो एक को यहां पे लिख चुके हैं, तो एक सी बचा है, तो एक सी यहां लिख देंगे, ठीक, और दो ओ कितना था, दो ठो था, तो इसको तो हम लिख चुके पहले से ही, तो एक ओ यहां पे है और एक ओ यहां पे है, ध्यान दीजिएगा, तो इसको हम लिख लेते हैं, दो ओ हो गया और एच बचा था, तो एच को सेम लिख देंगे, समझ गए आप? नहीं समझ रहे हैं तो फिर से देख लीजिएगा, इधर से हम ये बना दिए हैं, इसका नाम क्या हो जाएगा, मेथिल एसिटेट, इसको देखिए इसका नाम हो गया मेथिल एसिटेट। ठीक, अब देखिए इसका नाम क्या हो जाएगा, एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड। ठीक, ये रिएक्शन समझ में आ गया आपको? चलिए तो ये लास्ट रिएक्शन हम आपको बताना चाहेंगे, ये पांचवा रिएक्शन क्या है इसको देखिए, थायोनील क्लोराइड से अभिक्रिया। अब थायोनील क्लोराइड क्या होता है ये बात समझना है आपको, तो चलिए पहले हम इसको पढ़ लेते हैं उसके बाद आपको समझा देते हैं।
तो देखिए, जब मेथिल एल्कोहल और थायोनिल क्लोराइड की अभिक्रिया कराई जाती है तो मेथिल क्लोराइड बनता है। ठीक, बात ये हो गई। तो कैसे बनता है, पहले मेथिल एल्कोहल ले लेते हैं। तो मेथिल एल्कोहल का सूत्र क्या होता है, CH3OH। तो ये हो गया मेथिल, ठीक, एल्कोहल, ये हो गया मेथिल एल्कोहल, ध्यान से देखिएगा। प्लस अब आती है बात थायोनिल क्लोराइड, थायोनिल क्लोराइड का सूत्र क्या होता है वो देखिए, SOCl2। ठीक, यही होता है थायोनिल क्लोराइड। नहीं जानते हैं तो जान जाइए और नोट कर लीजिए, ठीक है, थायोनिल क्लोराइड, ये हो गया। अब देखिए हम इसमें क्या बनेगा, बता रहे थे आपको क्लोराइड बनता, क्या बनता है, तो मेथिल क्लोराइड बनता है। ठीक, तो कैसे बनेगा ये देखते हैं। यहां आपको क्या दिखाई दे रहा है, एच दिखाई दे रहा है, ठीक, और यहां क्या है, सीएल है, समझ रहे हैं। तो यहां सीएल कितना है, 2 ठो, तो एक सीएल लेके एच के साथ क्या करेंगे, हटा देते हैं, मतलब निकाल देते हैं, तो एच सीएल निकाल सकते हैं। अब क्या बचा है, बात यह आती है, एक हो सीएल बचा है, ठीक, और ये एच तो खत्म हो गया, तो चलिए CH3 है, CH3 लिखते हैं, CH3 हो गया। अब यहां CL2 था, 2 ठो था, तो एक को यहां पे निकाल दिए हैं, तो एक को बचा है, तो अब एक को यहां लिख देते हैं। अब CL भी खत्म हो गया पूरी तरह से। अब क्या बचा है, अब बचा है आपके पास प्लस, अब बचा है यस बचा है, और ओ एक को यहां बचा है, एक को यहां बचा है, तो क्या निकाल देंगे हम, SO2 निकाल देंगे। ठीक, समझ रहे हैं। तो ये आपका बन गया, क्या बनाना था हमको, जो मेथिल क्लोराइड, मेथिल हो गया ये, क्लोराइड हो गया ये, तो हो गया मेथिल क्लोराइड। ठीक, और ये क्या हो गया, ये तो जानते हैं हाइड्रो क्लोराइड, हाइड्रोक्लोरिक, ठीक, एसिड। और ये क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड, ये तो पता है आपको, नहीं पता है तो लिख देते हैं, चलिए सल्फर डाई ऑक्साइड। ठीक, अब सबको, अब सबका नाम पता चल गया आपको और रिएक्शन भी समझ में आ गया। चलिए, तो आपको समझ में आ गया, तो इस वीडियो को अगर समझ में आया हो तो लाइक करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं हमको कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, ताकि आप अगला वीडियो जो आने वाला है वो भी और बेहतरीन तरीके से हम आपको बता सकें। ठीक है, चलिए, तो चैनल जिसने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए, थैंक यू।